Hello guys, welcome back to my YouTube channel StandOut Classes. So here I am back with my another video, Chapter 2 Business Studies Class 12 Principles of Management. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमें किसने दिए थे, टेलर ने दिए थे. और इस वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्ट कर रही हूँ जो हमें प्रिंसिपल्स दिए फेयोल ने. ठीक है गाइस, बीच में एक टॉपिक आता है दैट इज साइंटिफिक टेक्निक्स. वो वाला जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो के बाद कवर करूंगी. सो मेरा मेन पर्पस था एक पहले ये करने का क्योंकि ताकि आपको एक बार डिफरेंट सेटअप समझ आए. ठीक है कि टेलर ने हमें क्या दिया और फेयोल अब हमें क्या दे रहा है. ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि हमने F.W. टेलर के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, हम लोगों ने पूरा पढ़ा था. उनका मेन मोटिव क्या था? फैक्ट्री लेवल पे डेवलपमेंट लाना. उनका मेन मोटिव था हिडन ट्रायल, रूल ऑफ थंब को हटाकर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चीजों को डिवाइड करके और उसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना. सो अब हम पढ़ते हैं कि फेयोल हमसे क्या बोल रहे हैं. ठीक है, हेनरी फेयोल एक्सप्लेन दैट व्हाट अमाउंट to a manager work and what principle should be followed in doing his work. मतलब कितना काम एक मैनेजर को करना चाहिए और क्या क्या उसको प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए अपने काम को करने के लिए. ठीक है, his theories deals with the organization of production. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज दैट हैज टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट. जो हमारी टेलर की थ्योरी थी वो हमारी फैक्ट्री लेवल से रिलेटेड थी. ठीक है, अब जो हमारी फेयोल की थ्योरी है गाइस, बेसिकली हिज थ्योरी डील्स विद ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन की. कैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पे फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे काम करना चाहिए ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट सर्वाइव कर सके और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके अपने बेनिफिट्स बढ़ा सके नॉर्मल. ठीक है, तो ये सब हमें फेयोल अभी बताएंगे. तो इसी चीज को बताने के लिए कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन को कम करना चाहिए और अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमें फेयोल ने क्या दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए. जैसे कि हम टेलर को क्या बोलते थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उसी तरह फेयोल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इतनी बात समझ आ गई होगी. अब सोच रहे हो कि क्या 14 इतने सारे प्रिंसिपल देके चला गया, बट ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है. एक बार समझ आ गया ना, खुद बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 14 प्रिंसिपल्स हम फेयोल के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा डिविजन ऑफ वर्क. नाम से ही पता चल रहा है काम को डिवाइड करना, डिविजन ऑफ वर्क. ये चीज तो टेलर ने भी हम लोगों को बताई थी. तो ये एक बेसिक चीज है. अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपको कोई फैक्ट्री हो, कहीं पे आपको काम करना हो, तो अगर आप काम को इकट्ठा ना करते हुए उसको डिवाइड कर दो, अलग अलग लोगों से कराओ, स्पेशलिस्ट लोगों से कराओ, तो आपका काम वो जल्दी होगा और ज्यादा बेटर तरीके से होगा. क्लियर? तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल आता है हमारा डिविजन ऑफ वर्क. वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब. टोटल जो काम है उसको डिवाइड कर दिया आपने छोटे छोटे जॉब्स में, छोटे छोटे टास्क में. इससे क्या फायदा होता है गाइस? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वर्क है और मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहली चीज, सारा काम एक जने को नहीं करना पड़ेगा, अब 4 अलग अलग जने उनको करेंगे. अब जो मैंने 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, तो ऑब्वियस ही बात है मैं एक बंदे को वही काम दूंगी जिसमें वो अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सपोज गिफ्ट मुझे पैक करना है. ठीक है, तो मैंने गिफ्ट लिया, उसको फिर मुझे पैक करना है अच्छे से. ठीक है, फिर मुझे उसे डेकोरेट करना है एंड देन मुझे उस पर नेमिंग वगैरह लिखनी है. क्लियर? ये कुछ टास्क है मेरे. अब एक जना ये करे, इससे बेटर मैंने क्या करा, एक जने ने गिफ्ट लिया जो उस चीज में अच्छा है, मैंने उसको बोला भाई तू जाके गिफ्ट लेकर आ, वो गिफ्ट ले आया, उसका काम खत्म. फिर उसने उस सेकेंड बंदे को पास कर दिया, मैंने बोला कि तू इसकी पैकिंग कर क्योंकि तेरी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी है. तो उसने बेस्ट तरीके से उसको क्रिएटिविटी करके मेरे को सजा कर दे दिया. आई मेरी बात समझ? उसी तरह तीसरे को मैंने बोला आप इस पे राइटिंग करो क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है. तो एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए कि कैसे हम लोग अपने एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइस. ठीक है, जिससे वो काम हम उस बंदे को दे सके जिसमें वो बंदा स्पेशलिस्ट हो. ठीक है, मैं अगर काम को डिवाइड कर रही हूँ तो मैं उस बंदे को वही काम दूंगी जिसमें उसकी स्पेशलिटी है, ताकि मेरा काम वो बेटर तरीके से हो. तो यही मेन मोटिव था फेयोल का कि काम को डिवाइड करो और जो उसमें स्पेशलिस्ट है उनसे वो काम छोटे छोटे करवाओ. तो एट द एंड आपका पूरा काम एक बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से हो जाएगा जो कि अकेला बंदा नहीं कर सकता. क्लियर आई? ठीक है, सो The intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. Main intention क्या था? Intent means intention. अपने काम को डिवाइड करने का was कि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सके. ऑब्वियसली बात है, जब प्रोडक्शन का काम है डिवाइड हो गया तो जितना ज्यादा लोग करेंगे उतनी जल्दी होगा और उतने बेटर तरीके से होगा. तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सके, उतने ही एफर्ट्स में. हमें कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही, हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं, जितना उतना लोगों के पास एफर्ट्स जो वो लगा रहे थे पहले, डिविजन ऑफ वर्क में सेम एफर्ट में हमने काम डिवाइड कर दिया, लोगों का बर्डन कम हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन और बेटर तरीके से हमारा काम हुआ. तो इसके एंड रिजल्ट क्या होगा? Efficient and effective output. This resulted in efficient and effective output. So I hope guys ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. Moving on. Next उसने हमें principle दिया. It was authority and responsibility. ये चीज आप लोगों ने 11th में डिटेल में पढ़ी होगी. अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो अभी मैं उनको बता देती हूँ ताकि उनकी नॉलेज के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है ना, authority and responsibility. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, और मैं एक कंपनी की सीईओ, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं बस हम, ओके, और मैंने एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर को कुछ काम दिया. मतलब मैंने सीनियर मैनेजर को क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. इतना क्लियर है? ठीक है, अब जब मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बोला कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस साल हमको कम से कम अपना 50% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस चीज को चेक करना है. ठीक है, मैनेजर ने बोला ठीक है. अब अगर मैंने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है. उसको क्या करना है? उसको अपना 50% से प्रॉफिट को इंक्रीज करना है कंपनी का, है ना, यही उसका काम है. तो अब जब वो ये काम खुद तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने एज अ सीईओ मैनेजर को दिया तो मैनेजर ये काम किससे कराएगा? जो लोग इसके अंडर काम कर रहे हैं. तो जब मैं एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, मैं उसे ये बोल रही हूँ कि आप 50% से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट को बढ़ाना, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल मैनेजर अपना काम कर रहा है और मैनेजर को सडनली कोई नीड पड़ जाती है अपने किसी सबऑर्डिनेट से बोलने की कि भाई सबऑर्डिनेट ने बोला कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई. अब मैनेजर को हमें इतनी, सीईओ को, मैनेजर को इतनी अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके. ये नहीं कि अच्छा ठीक है रुको पहले मैं उधर से पूछ कर आता हूँ तब मैं तुम्हें बताऊंगा. समझ रहे हो मेरी बात? अभी और बेटर तरीके से समझ आएगा. अभी बस मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आप उसको अथॉरिटी भी साथ में दो, तभी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी का मतलब क्या है? आप उसको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर की फ्रीडम दो ताकि वो उस डिसीजन मेकिंग पावर को यूटिलाइज कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. सिंपल. अभी आगे समझते हैं. ठीक है, सो अथॉरिटी का क्या होता है? इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स. अथॉरिटी का मतलब होता है यू हैव द राइट, डिसीजन मेकिंग राइट है आपका. ठीक है, आप ऑर्डर दे सकते हो अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को. सुपीरियर सबऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया होगा ना? नहीं क्लियर है कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल टेल यू. ठीक है, तो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना, दैट इज द अथॉरिटी. ठीक है, अब एज अ सीईओ मैंने इस मैनेजर को बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मेरी अथॉरिटी मैंने यहाँ पर यूज करी. समझ रहे हो मेरी बात? इज अ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देना और फिर उसके रिवर्ट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मैंने ऑर्डर दिया सामने वाला मेरी बात मानेगा. आई मेरी बात समझ? ठीक है, दैट इज अथॉरिटी. एज अ सीईओ मैंने मैनेजर को बोला था, मैंने मैनेजर को क्या बोला कि तुम जाके देखो कि इस साल 50% से इंक्रीज होना चाहिए प्रॉफिट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीईओ मैंने अथॉरिटी दी. अब मैं चाहती हूँ वो मैनेजर उस चीज को ओबे करे, उस चीज को फॉलो करे. तो ये क्या सीईओ ने क्या एक्सरसाइज करा? अथॉरिटी. क्लियर हो गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? सो अथॉरिटी का मतलब है ऑर्डर देना एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि जो हमने ऑर्डर दिया वो उसको फुलफिल करे. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग अकाउंटेबल और आंसरेबल. ठीक है, अकाउंटेबल. अब एज अ सीईओ मैंने इस मैनेजर को दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की 50% से प्रॉफिट इस साल बढ़ना चाहिए. अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो सीईओ किसकी गर्दन पकड़ेगा? मैनेजर की. इससे पूछेगा भाई क्या हुआ, क्या कमी रह गई, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी. तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू आर अकाउंटेबल, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, व्हेन यू आर आंसरेबल. आई मेरी बात समझ? तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसके साथ उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी माने थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है ना। अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल ऑल्सो एंड इनफॉर्मल ऑल्सो। फॉर्मली तरीके से भी अथॉरिटी की मतलब ऑर्डर दिया जा सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी। ठीक है, मैनेजर्स नीड अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा। आई मेरी बात समझ? सो देयर शुड बी बैलेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आई मेरी बात समझ? ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अथॉरिटी बिल्कुल नहीं दी। भाई वो इंसान कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा? ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, पहले कंप्लीट कर लूँ। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजेरियल पावर। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैनेजर को अथॉरिटी मिल गई तो वो उसको यू नो नेगेटिवली यूज कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है लोगों को। मतलब जो उसको अथॉरिटी दी गई है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए यूज करनी है, बट वो उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रहे हैं तो वो उस अथॉरिटी का नाजायज फायदा ना उठाए। तो उसके लिए उसको कुछ सेफगार्ड्स को बिल्डअप करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी द बिजनेस। ठीक है, और जितनी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो आप उसको उतनी अथॉरिटी उतनी फ्रीडम भी दो जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एक ना सिया थी, एक थी सिया नाम की लड़की थी। सिया को एक डील क्रैक करनी थी। ठीक है, सिया को एक डील क्रैक करनी थी फॉर एग्जाम्पल राम से। सिया को एक डील क्रैक करनी थी फॉर एग्जाम्पल राम से। अब इनकी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई, बस राम ने सिया को ये आके बोला कि मैं आपको जो पैसे हैं वो विद इन अ मंथ दूंगा। ठीक है, अब देखो सिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको ये डील को क्रैक करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब राम ने बोला कि हम ये बिल्कुल डील फाइनल करते हैं, बट मैं जो आपको पैसे दूंगा वो विद इन 1 month दूंगा। ठीक है, अब सिया के पास अथॉरिटी क्या थी? सिया को ये गाइडलाइंस थी कि आप 20 दिन से ज्यादा किसी से उधार पर आप नहीं दे सकते, पर राम ने बोला मैं आपको पैसे कितने दिन बाद दूंगा? 30 दिन बाद। तो अब कहने का मतलब ये है मेरा कि ऑर्गेनाइजेशन को सिया को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर उसकी डील क्रैक हो रही है तो वो आसानी से अपने एंड पर राम को बोल दे कि ठीक है आप मुझे 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देना। समझ आई मेरी बात? मतलब सिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई डील क्रैक करने की, बट अगर सपोज अथॉरिटी नहीं मिलती तो डील हाथ से निकल जाती ना, क्योंकि सिया बोलती है आप मुझे 20 दिन में पैसे, तो राम ने बोला नहीं मैं आपको 30 दिन से पहले नहीं दे सकता पैसे, तो डील हाथ से चली जाती। समझ आई मेरी बात? तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उनको एक इतनी अथॉरिटी भी दो कि वो थोड़ा आगे पीछे 19-20 एडजस्ट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। एट द सेम टाइम वो इतना फायदा भी नहीं उठाएगी। राम बोल रहा है 30 दिन में, तो सिया बोल रही नहीं भैया आप नहीं, आप मुझे आराम से 100 दिन में दे देना, आप मुझे आराम से 3 महीने में दे देना। इतना भी अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड मेजर्स लेने चाहिए, बट थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए। जो 20 मैंने तुम्हें बता रखा है, तुम 20 का 30 या 40 कर सकती हो, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी। आई मेरी बात समझ? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा डिसिप्लिन। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्कूल जाते हैं हमें बोला जाता है डिसिप्लिन में रहो, घर आते हैं घर में बोला जाता है तमीज से रहो, डिसिप्लिन में रहो। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन से ही काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया के जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। दैट इज डिसिप्लिन। मींस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे रूल्स फॉलो करना जो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना। अकॉर्डिंग टू फ्योल क्या होता है डिसिप्लिन का मतलब होता है यू शुड हैव अ गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। इसका मतलब क्या है कि फ्योल ये बोलता था कि अगर आपको एक कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तो सबऑर्डिनेट से पहले आपके सुपीरियर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जितने आपके सुपीरियर अच्छे होंगे वो उतना अच्छा कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन पर रख पाएंगे। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। देन देयर शुड बी क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट। अगर मैनेजर्स को क्लियर चीजें, फेयर चीजें हो रही है उनके लिए, और वर्कर्स के लिए भी क्लियर और फेयर चीजें हो रही है, तो हर कोई डिसिप्लिन में रहेगा। खुद सोचो ना, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि बाय चांस कोई अपना रूल तोड़ता है, कोई आउट ऑफ द लिमिट जाता है, आउट ऑफ द ट्रैक जाता है, तो उसको पेनल्टी देनी भी जरूरी है, ये नहीं कि लेट गो कर दो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डिसिप्लिन के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है मेरा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? देसी भाषा में एक लाइन में बताऊं मैं आपको, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि अगर कोई एक सबऑर्डिनेट है तो इसको जो ऑर्डर मिल रहा है वो सिर्फ एक ही बॉस से मिले, मतलब एक ही सुपीरियर से मिले। ऐसा नहीं है दो तीन सुपीरियर्स हैं, इसने भी आके इसको ऑर्डर दे दिया, इसने भी आके इसको ऑर्डर दे दिया, इसने भी इसको आके ऑर्डर दे दिया, ऐसे नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड, जो ऑर्डर है वो एक ही इंसान से मिलना है, और जब आप आंसरेबल हो तो आप उसी एक इंसान को आंसरेबल हो। आ रही है मेरी बात समझ? सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस, वन एंड ओनली वन बॉस, कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही एक बॉस होना चाहिए। आई मेरी बात समझ? एक से ज्यादा बॉस अगर होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोग आके बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। तो एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर? आई मेरी बात समझ? सो ऐसा क्यों होता है? दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वर्क। जो आपको काम करना है, अगर आपको एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है और आप एक बॉस को ही जाके आंसरेबल हो, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है। ऑर्डर मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, काम कर रहे हो, जाके आंसरेबल हो, काम खत्म। 10 जने आके बोलेंगे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, किसको जाके आंसरेबल हो, क्या करना है, सारा कंफ्यूजन। इसलिए देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप ये चीज क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मेरा जो इसका प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ना मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से, बहुत एक ना स्टोरी की तरह समझना, छोटी सी स्टोरी है बहुत ज्यादा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली बात है एक जने से तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। देयर आर पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ यू नो डिफरेंट डिफरेंट पीपल हू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो लोग हैं एक ही घर से तो आए नहीं है सारे, है ना। डिफरेंट पीपल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। हर बंदे के अपने अपने मतलब हर बंदा अपने अपने बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हैं, ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। मैं स्टोरी सुना रही थी, सॉरी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से। आगे मेरी बात समझ, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, कि जो ये लोग आ गए, अब ये जो लोग हैं इन्होंने क्यों ज्वाइन करा है ऑर्गेनाइजेशन गाइस? इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन ये सोचकर ज्वाइन करा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना है? नहीं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन करा है। किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को अच्छी रिकग्निशन चाहिए, किसी को अच्छा प्रमोशन चाहिए, किसी को अच्छी पोस्ट चाहिए। सबने अपने पर्सनल फायदे के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है। इतनी बात, दो बातें क्लियर हुई। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग काम करते हैं, बट वो सब जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन करते हैं। कोई भी ये दिमाग में रख के ज्वाइन नहीं करता कि हाँ भाई मैं ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ मुझे क्योंकि इसके गोल्स को फुलफिल करना है। नो, ठीक है। अब मैं ये पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी स्टोरी और इसको रिलेट करती हूँ, ठीक है। सो ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटिंग एंड फोकस्ड एफर्ट्स। जितने भी, ठीक है, जितने भी लोग आपके डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से वो काम करें कि उनके पर्सनल गोल भी फुलफिल हो, बट एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी फुलफिल हो। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करके काम करना है, ताकि एट लास्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सबके काम करने का मोटिव एक ही होना चाहिए। मोटिव नहीं, मैं बोलूंगी सबके काम होने का जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, दैट इज कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हम काम कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन हमें कहाँ लेके जा रही है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। आई मेरी बात समझ. सो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका एक हेड होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिससे आपकी वो एक्टिविटी फुल हो और एट लास्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी फुलफिल हो. दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. इससे रहता है यूनिटी ऑफ एक्शन कि हमको मिलकर एक काम करना है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं वो एक सेपरेट स्टोरी है, पर जो हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सबकी एक ही होनी चाहिए. दैट इज कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. आई होप गाइज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गाइज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. जैसा कि मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी, अभी मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस करी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते हैं. अब हर इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए हैं और बाकी सारे लोग हैं. ठीक है, ये भी एक एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारे में एम्प्लॉई है. अब मिस्टर ए बोल रहे हैं कि भाई मेरी सैलरी तुम 50% बढ़ाओ और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी तुम 20% बढ़ाओ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन का काम रुका हुआ है. तो इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? उस एक इंडिविजुअल की डिमांड को फुलफिल ना करते हुए एक ग्रुप की डिमांड को फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक इंडिविजुअल की डिमांड के पीछे आपको जो पूरे जनरल ग्रुप का डिमांड है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना है तो आपको जनरल मतलब मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा. ये नहीं कि एक इंडिविजुअल ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है. मैक्सिमम लोग जो बोल रहे हैं वो चीज करो, क्योंकि सबकी डिमांड्स को फुलफिल करना तो पॉसिबल नहीं है ना एक साथ. तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल बोल रहे हैं वो चीज करो. सो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल. जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के भले में है वो क्या है? इस टाइम ज्यादा लोगों की बात मानना, उसको प्रायोरिटी दो एज कंपेयर टू एक इंडिविजुअल की डिमांड को आप प्रायोरिटी दो. सो इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप शुड बी गिवन प्रायोरिटी, मतलब ग्रुप के इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी दो ओवर दी किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को. आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. सो एक और कर लेते हैं, 7th डिस्कस कर लेते हैं. सो दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई कैन डिस्कस अनदर 7 प्रिंसिपल्स विद यू. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय. रेन्यूमरेशन मतलब क्या? पेमेंट, काम के पैसे जो उनको मिल रहे हैं. ठीक है, सो ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर. जो आपको वर्कर्स को आप पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो फेयर होनी चाहिए. अब फेयर दोनों के पर्सपेक्टिव से, वर्कर के भी मैनेजमेंट के भी. वर्कर मतलब जितना काम कर रहे हैं उतना वो पैसा डिजर्व करते हैं, एंड मैनेजमेंट के लिए फेयर कैसे? भाई जितना वो पे कर सकती है उसको उतना उसको पे करना चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा. क्लियर? So the overall pay and compensation should be fair to both employees also and organization also. It should be in the paying capacity of the organization. ठीक है, जितना ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकती है उतना उसको पे करना चाहिए. वो मैनेजमेंट के लिए भी अनफेयर नहीं होना चाहिए कि भाई वर्कर उतने पैसे मांग रहे हो जितना वो पे ही नहीं कर सकती. नो, इट शुड बी फेयर टू बोथ. एट द सेम टाइम इट शुड बी फेयर फॉर वर्कर्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्क, जैसा वो काम कर रही है. इससे क्या होगा? दिस विल लीड टू गुड एटमॉस्फेयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट भी खुश, वर्कर्स भी खुश, और गुड रिलेशंस रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में. आई होप गाइज ये 7 प्रिंसिपल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद अदर नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स. एंड सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.